नमस्कार एवरीवन, दिस इज मुकेश चौधरी एंड हियर विद मी अ यंग एस्पिरेंट ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हु इज गोइंग टू इंटरव्यू इन अजमेर ऑन 23rd of Feb 2023. सो लेट्स सी हाउ मच ही इज प्रिपेयर्ड. व्हाट इज योर नेम? माय नेम उत्कर्ष पटेल. उत्कर्ष, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? बोथ लैंग्वेजेस. इन बोथ, वेरी गुड. So Utkarsh, you are from? I am from Prayagraj, UP. Prayagraj is very famous. Tell something about Prayagraj. Prayagraj is a confluence of three rivers called Ganga, Yamuna, Saraswati. Mm-hmm. The point of confluence is called Trivedi Sangam. It is also birthplace of Harivansh Rai Bachchan, Amitabh Bachchan and Shri Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. Who was Pandit Jawaharlal Nehru? Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Okay. Tell about yourself. I am 11 years old. I am from Prayagraj, UP. My father's name is Shri Suresh Kumar Patel. He was Naib Subedar in Artillery. My mother's name is Mrs. Rekha Devi Patel. She is MTS in Artillery Corps. My hobbies are playing basketball and drawing. I am result-oriented, punctual and regular. I want to become an officer in Indian Armed Forces. Okay. So, do you like any game? Yes, sir. Okay, which one? Basketball. Basketball? How many players are there in a team? 5 players in a team. 5 players? Who is your favorite player? My favorite player is Stephen Curry. Stephen Curry. Okay, tell me the names of 5 players. First is Stephen Curry, second Luka, third is Kyrie, fourth is McLean and last one is Kobe Bryant. ओके वो जो बात है आपको. यस सर. सुनाओ. संता ने कहा बंता से कि बंता तुम क्या कर रहे हो? तो बंता कहता है संता से कि मैं इन बच्चों की आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो संता कहता है क्यों? बंता कहता है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो वैसे पूछूंगा इनका मतलब क्या होता है. ओके, अच्छा ये बताओ, डर लगता है आपको किसी से? यस सर. किससे लगता है? कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी और का मतलब किसी और को कष्ट पहुंचे. अच्छा, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो जाए. दैट्स गुड, बहुत बढ़िया. व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स है? तो ये बताइए मेरे को, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर वो होता है जिसमें जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उस मतलब वो चारों साइड इक्वल होती हैं. और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो कि दो से डिविजिबल नहीं होते. आपके जो टीचर हैं वो 10 मिनट के लिए कहीं काम गए, बाहर गए हैं, क्लास में नहीं है और बच्चे शोर मचा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? बीइंग अ मॉनिटर आप क्या स्टेप लोगे, क्या करोगे, कैसे बच्चों को शांत करोगे? सबसे पहले तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप शांत हो जाइए. आप सब अगर वो लोग नहीं शांत होते हैं तो जो बच्चे ज़्यादा आवाज़ कर रहे होंगे या फिर मतलब बातें कर रहे होंगे तो मैं उनका नाम लिखूँगा. फिर जब भी टीचर आएगा तो मैं उसको नाम दे दूँगा बच्चों के. ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ, आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है अभी? द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ. श्री योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के हैं वो? He is from BJP. BJP. चलिए कुछ शॉर्ट फॉर्म से बताएंगे मेरे को. NDA की फुल फॉर्म क्या है? National Defence Academy. OTA. Officers Training Academy. INA. Indian Naval Academy. Indian Naval Academy. क्या आपको पता है वेरिटी इस काम पर है? डुंडीगल केरल. ओके. चलिए CDS की फुल फॉर्म क्या है? Chief of Defence Staff. Who was the first CDS of our country? General Bipin Rawat. General Bipin Rawat. And who is the CDS right now? General Anil Chauhan. Anil Chauhan, at present Anil Chauhan ji. Okay. LOC. ये full form बता. Line of control. Line of control. कौन से दो countries के बीच में है ये? It is situated in India and Pakistan. Between India and Pakistan. Okay. Very good. तो कितने फ्रेंड्स हैं आपके? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आई हैव 5 फ्रेंड्स. 5 हैं? यस सर. सच बोल रहे हैं? यस सर. ठीक है. बेस्ट फ्रेंड कौन? मुझे बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज अश्विन. अश्विन, अश्विन के बारे में बताओ कुछ. टेल समथिंग अबाउट अश्विन. ही इज क्लास मॉनिटर एंड ही इज वेरी हेल्पफुल. ऑल टीचर्स लाइक हिम. ही इज बेस्ट. ही इज
His favorite subject is mathematics and he likes solve mathematics questions. अच्छा ये बताओ, why do we select you? हम आपको ही क्यों select करें? There are many other students who are sitting outside. आपको ही क्यों हम select करें? Sir, I don't know about any other children, but sir, मैं अपने बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से लगन से पढ़ाई की है, तभी मैं RMS का पेपर क्रैक करके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. और अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने स्कूल को, अपने सिटी को और अपने नेशन को प्राउड फील करवाऊंगा. चलिए आइडियल पर्सन बताओ अपना, कौन है योर आइडियल पर्सन? माय मॉम इज माय आइडियल पर्सन. मॉम, व्हाई? Because my mom is my ideal person because that first thing I learned from him is never give up. मेरे पापा के ना रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे पापा की कभी महसूस नहीं होने दी और हमारे परिवार को इतने अच्छे से संभाल रखी हैं और हमारे एजुकेशन को इतने अच्छे से करवा रही हैं कि मैं वो इतने काबिल तारीफ हैं. इसीलिए that's why she is my ideal person. Very good, बहुत बढ़िया. अच्छा ये बताओ, अब आप कभी घर से बाहर रहे हो, हॉस्टल में रहे हो कभी? नो सर. तो ये बोर्डिंग स्कूल है यहाँ पे, आप यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाओगे? रह लोगे घर से? दूर रह लोगे? यस सर, आई एम वेरी फ्रेंडली टू अदर पीपल एंड आई कैन एडजस्ट इट. ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है. चलो तो उत्कर्ष, काफी अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन. वेरी गुड एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए. गुड लक. Thank you very much.